दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार को छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिला। इस दौरान छात्र नेता और कुलपति में चुनाव कराए जाने को लेकर तीखी बहस हुई। देखते ही देखते मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को पत्र भी सौंपा। वहीं घंटों बहसबाजी के बाद छात्र नेताओं को कुलपति ने साफ कह दिया कि छात्र संघ चुनाव का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट चुनाव कराने का आदेश नहीं देता तब तक विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराया जा सकता। साथ में प्रशासन की भी अनुमति बहुत ज़रूरी है क्योंकि चुनाव में बिना जिला प्रशासन के संभव नहीं है। इस संबंध में छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने बताया कि पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहा है जबकि यह छात्रों का मौलिक अधिकार है। ऐसे में कोर्ट का हवाला देते हुए कुलपति बार बार छात्र संघ चुनाव कराने से पल्ला झाड़ रहे हैं जबकि इन्हीं के द्वारा एक छात्र के जरिए PIL दाखिल किया गया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता शिवशंकर गौड़ और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने कहा, 3100 रुपया एक वर्ष का फीस है मैं इसका और आप 6000 कर देते हैं उसको। आप बात करते हैं, आप शिक्षक है, शिक्षक की नैतिकता होती है, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। दे दीजिए, आपके मंत्री आते हैं, पहली बार होता है ऐसे छात्रों में कि कोई मंत्री आते हैं और छात्र चुनाव की घोषणा, विद्यार्थी क्यों छात्र चुनाव बंद कराने जाएगा, एक आम विद्यार्थी क्यों कहेगा कि सेशन बंद हो गया। और क्या आम विद्यार्थी जाएगा अपना पैसा लगा के कोई लाभ जाएगा सरकार के आदेश सर, कोई मारपीट नहीं होगा, कोई कोई बदमाशी नहीं होगा। लेकिन एक बात लड़के का पता लगा पहले उसकी कंडीशन दो वर्ष वही हुई है ना, अरे विद्यालय जानते होंगे विद्यालय 2 बार आगे बढ़ा करवाने के लिए। अरे सर एक बार कहते हैं सर, शासन तभी होगा जबकि पहले न्यायालय से मामला क्लियर होगा, दूसरा सेकंड शासन करो। सर 1 महीने का ये मैटर चुनाव करा देंगे, उसी साल भर इसी चुनाव बंद चला सर, हार पार हो जाएगा सर। कम से कम सुनिए, चुनौवा के बहाने पे सर समस्या छोड़ देते हैं, पूरा साल भर निश्चिंत रहिए, वही चुनाव का आई कब से सोच संहिता खत्म हो गया। चुनाव आपको नहीं कराना है, पेपर में आपने दे दिया, पेपर में आपने प्रतिनिधित्व करने को लेकर छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय में श्रीमान कुलपति जी से मिलकर अनुनय विनय किए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन 1 जुलाई से सत्र प्रारंभ हो चुका था लेकिन अभी तक चुनाव अधिकारी की घोषणा न करते हुए विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं छात्रों के अधिकार को दबाने का काम कर रहा है। तो हमने कुलपति जी से स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको 36 घंटे का अवसर दे रहे हैं जिसमें आप चुनाव अधिकारी की घोषणा करिए और चुनाव अधिकारी तथानुसार वो चुनाव की तिथियों की घोषणा करेंगे और जिससे कि छात्र संघ चुनाव संपन्न हो पाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की धिलमूल रवैया, स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन हाईकोर्ट में PIL दाखिल करवाता है केस चुनाव रोकने को लेकर और स्वयं कुलपति जी ये कह रहे हैं कि आप जाकर PIL खारिज करवाओ और हम शासन से अनुमति लेंगे तब जाकर चुनाव होगा। तो आप शासन से अनुमति लीजिए चाहे ना लीजिए लेकिन हम छात्र नेता 36 घंटों के बाद आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं। हम यही प्रशासन भवन पर आंदोलन करेंगे जिससे विश्वविद्यालय पर हमें दबा नहीं पाएगा नहीं तो वो चुनाव की तिथि की घोषणा करे। ये सारी मांगों के साथ आज हम लोग मिले हैं कुलपति जी से। पिछले कई सालों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नहीं हो पाया, सिर्फ 2016 में एक बार चुनाव हुआ और प्रदेश के 29 विश्वविद्यालय हैं, अधिकतम में चुनाव पिछले कई सालों से लंबित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी गत 2 वर्ष चुनाव कराने के प्रयास किए गए और चुनाव में स्पष्ट है कि लिंग 2 की संस्तुतियों के अनुसार ही चुनाव कराए जाने हैं और गत 2 वर्षों में जब चुनाव कराने का प्रयास किया गया तो लिंग 2 की संस्तुतियों का सरेआम उल्लंघन किया गया छात्रों के द्वारा, अराजकता के माहौल होने की वजह से गत 2 वर्षों में चुनाव टालने पड़े। और गत वर्ष ही माननीय न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा क्रिएट किया गया छात्रों के द्वारा ही जिसमें एक गुट जो पढ़ने वाले छात्रों का है उनका ये कहना था कि साहब हमारे विश्वविद्यालय परिसर में माहौल अक्सर चुनाव को लेकर ख़राब हो जाता है, पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, लिहाजा विश्वविद्यालय में चुनाव न कराया जाए। दूसरा ग्रुप था कि नहीं चुनाव कराया जाए, वो मामला अभी विश्वविद्यालय का जो वाद है वो वहाँ लंबित है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर अभी निर्णय नहीं आ पाया है और जैसे ही वो निर्णय आ जाता है
और निमानी न्यायालय का दिशा निर्देश मिल जाता है कि चुनाव कराया जाना चाहिए अथवा नहीं कराया जाना चाहिए। अगर कराए जाने के लिए वो रोक हट जाती है जो माननीय न्यायालय के द्वारा अभी स्थगित किया गया है, तो उसको हम फिर शासन से अनुमति देंगे, क्योंकि चुनाव कराने के लिए शासन की भी सहायता पड़ती है, जिला प्रशासन की सहायता पड़ती है, पुलिस फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके चुनाव हो पाता है। तो शासन से अनुमति मिलने के बाद ही हम चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे।